अदानी का हुकुमशाही जैसा करता है वही अदानी को काम दिया है शिड़को ने, वो शिड़को का काम जब नाग नहीं डाबेगा तो टोन नहीं उगड़ेगा, ऐसा करने वाला 24 तारीख को हम पूरा काम बंद करेगा। तो नवीनबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाधित हो रहे 27 गांवों के प्रकल्पग्रस्त अब फिर से एकजुट हो गए हैं। हालांकि सर्वपक्षीय कृति समिति प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन चूंकि समाधान प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, इसलिए 27 गांव प्रकल्प बाधित समिति ने नए तरीके से आंदोलन की शुरुआत करने की तैयारी कर ली है। और हमारे साथ इस वक्त आज जो परिषद हुई है उसके जो अध्यक्ष हैं नंदराज मुंगार जी, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आज ये नया परिषद आपको लेना पड़ा और क्या भूमिका आपकी? 27 गांव कृति समिति के माध्यम से आज अंतर्राष्ट्रीय मंथन स्वर्गीय दीपापटी साहब का नाम के लिए आज हम सब एक साथ प्रकल्पग्रस्त एक गट्टा आने परिषद हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि सिडको और सरकार प्रकल्पग्रस्तों के मुद्दों को लेकर समाधान की दिशा में गंभीर नहीं? सिडको प्रशासन और शासन प्रकल्पग्रस्त का आदर नहीं कर सकता है, उसने पहले से प्रकल्पग्रस्त का जो समाधान होना मांगता है वो निर्णय लेना मांगता है वो कुछ नहीं लिया है, इसलिए आज 27 गांव का प्रकल्पग्रस्त एकजुट में हुआ और हमारे साथ बड़ी कृति समिति वही भी 13 तारीख को शामिल होने वाले है। जो 13 तारीख को दीपा पाटिल साहब की जयंती है उस दिन बड़े आंदोलन की तैयारी है, बड़े कार्यक्रम की तैयारी है ताकि प्रकल्पग्रस्त फिर से एकजुट हो और सिडको और सरकार पर दबाव बनाया जा सके, किस तरह की भूमिका 27 गांव प्रकल्प बाधित कृति समिति की? 13 तारीख को 27 गांव का जो जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी 10 से 15 हज़ार आदमी उधर प्रकल्पग्रस्त खड़े होने वाला है, उसमें सब जो दीपा ने जे कार्य किया है वो प्रकल्पग्रस्त का न्याय मिलाने के लिए जो दर्जा उठाया है उसका नाम एयरपोर्ट में लगाना जरूरत है, इसलिए हम सब एक है ऐसी बोलती बंद करने के लिए हम तैयार हुआ है। जो अभी नया सिडको भराव कर रहे हैं उसमें भी कई 4-5 गांव प्रभावित हो रहे हैं जिसको लेकर आज आपने मुद्दा उठाया, वो कौन कौन से गांव हैं, किस तरह की मुसीबत खड़ी हो रही है भराव के? जो एयरपोर्ट में भराव में और 3 मीटर का भराव होने वाला है, इसमें मेरा खुद का गाँव कालचौला है, पारगा है, डुंगे है, बंगरपाड़ा है, ये दापोली 5 गांव में हर साल में बारिश में बहुत घर में बारिश जा रहा है, इसमें सब अन्य धान का नुकसान होता है, सोने के लिए जागा नहीं रहता है, सब कुछ ऐसा दुर्दशा होता है, इसलिए हम लोग प्रकल्पग्रस्त 5 गांव जे 10 गांव का पुनर्वसन किया वैसा पुनर्वसन हमारा करना चाहिए, वो जो नहीं करेगा तो उसको हम रोकने के लिए तैयार हुआ। सिडको ने जो वादा किया था और जो पहले से शर्तें जिन शर्तों के आधार पर 22.5% योजना में पुष्पक नगर बसाया गया था वो सिडको वादा खिलाफी कर रही है, ऐसा प्रकल्पग्रस्तों का कहना है, क्या कंडीशन, क्या वाकई सिडको वादा खिलाफी कर रही है और इसका समाधान पाने के लिए पोर्ट का निर्माण जो बंद करना ही एक आखिरी रास्ता बचा है? जे 22.5% का व्यय हुआ है उसमें हमारा प्रकल्पग्रस्त का जो जो दिया है उसका मिला है किसको मिला नहीं, वो ओसी है, सीसी है, सब कुछ और रखने वाले हैं, इसलिए हम अभी जन जागृत करके 27 गांव का प्रकल्पग्रस्त हम अभी खड़ा हुआ है कि जो जो प्रश्न सुटता नहीं निकालता नहीं वो पहला निकालना मांगता है, पहला प्राधान्य है तो हमारा स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब का नाम है, इसलिए हम जो 2022 में एयरपोर्ट के भराव में 13 तारीख को बड़ा ऐलान करने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि अभी काम बंद करना ही आखिरी समाधान है, तभी जाकर जब तक सिडको का काम बंद नहीं होगा निर्माण कार्य तब तक प्रकल्पग्रस्तों को न्याय नहीं मिलेगा? 1970 साल से वही प्रकल्पग्रस्त का जो न्याय मानने वाला आदमी हमारा स्वर्गीय दीपा पाटिल साहब जब तक थे तब तक सिडको भवन पे दाड़े पर खड़ा रहता था, पहला प्रकल्पग्रस्त का न्याय मिलने के लिए तैयार करता था, वही प्रश्न सुटाने वाला एक हम था सच्चा प्रकल्प नेता आज नहीं है, इसलिए हमको थोड़ा इस सिडको प्रशासन दबाव डालने के लिए तैयार है, पर इसलिए हम अभी जो एयरपोर्ट का काम भराव चालू है अदानी का हुकुमशाही जैसा करता है वही अदानी को काम दिया है सिडको ने, वो सिडको का काम
जब नाग नहीं डाबेगा तो टोन नहीं उगड़ेगा, ऐसा करने वाला 24 तारीख को हम पूरा काम बंद करेगा तो नाग दबाएगा टोन उगड़ेगा। वो शिड़को ने उसको समझना मांगता है कि कोरोना प्रादुर्भाव है, ये प्रकल्पग्रस्त का पहला जो जो क्या मांगने हैं वो देखना मांगता है, वो उधर देगा तो हम किधर किधर तरह एक समझौने के बात करेगा। अभी जो 1984 में जो लड़ा हुआ, ये लड़ाई में 5 हुतात्मा हुआ, वैसा होएगा तरी चलेगा। वही मैं अध्यक्ष नाते में बोलता हूँ का 1984 का लड़ा जो हुआ है वैसा ही लड़ा करने के लिए हम तैयारी किया है। जैसा कि आपने देखा कि अब प्रकल्पग्रस्त जो है इस मूड में आ गए हैं कि अगर बलिदान भी देना पड़ा अपने समाधान के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार और हक के लिए, तो बलिदान के लिए भी तैयार है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।